नमस्कार दोस्तों, 777 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी किसी वेबसाइट में आप जाएंगे या लॉग विजिट करेंगे तो आपको कुछ फीचर्ड कंटेंट दिखेगा आपको, जो कि वो हाईलाइटेड होता है, जो कि आपकी वेबसाइट पे कोई जैसे कि हम लोग अपने ड्रूपल के पे देखें, ब्लॉग देखें, आर्टिकल देखें, तो उनको हमें हाईलाइटेड या फीचर्स में दिखाने हैं कि ये हमारे पॉपुलर हैं, तो ये हमारा जो हमारा कंटेंट है वो मेन कंटेंट, तो उसको आप कैसे आप फीचर्ड आर्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एक मॉड्यूल है हमारा पे आप यहाँ पर नोड क्यू, जो कि इसी नोड क्यू की मदद से जो भी हम आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे सारे फीचर्ड आर्टिकल बन जाएंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको केवल समझाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले इसको हम लोग अपने लोकल मशीन में डाउनलोड कर लेंगे और उसको हम लोग इनेबल कर लेंगे। तो इनेबल कर लेते हैं नोड क्यू, तो ये आपका ऑप्शन है नोड क्यू। ठीक है, इसको नोड क्यू को सेव कर लिया। सेव कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसको हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे कि यहाँ पर पास क्या क्या ऑप्शन है वहाँ पर। ठीक है, इनेबल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको हम लोग एज इट इज़ सेम रखते हैं और लिस्ट पे जाते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम लोग एक ऐड करते हैं जो कि हम लोग अभी हम लोग फीचर्ड आर्टिकल देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने फीचर्ड आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया। अब इस क्यू में आप कितना साइज़ देना चाहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लिमिट्स इसमें कितनी है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिमिट्स 3 दे देते हैं। ठीक है, हमें 3 जो आर्टिकल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास आर्टिकल है इस समय, तो हम लोग आर्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें 3 आर्टिकल है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो क्यू का जो साइज़ है वो नंबर ऑफ लिमिट्स 3 रख दी। ठीक है, और हम लोग क्या कंटेंट टाइप हमारा हो गया आर्टिकल। ठीक है, सेव सबमिट। सबमिट करने के बाद ये हमारा बन गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है जो हमने टाइटल दिया था और मैक्स नोड्स, कितने नोड्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो है। तो अभी इसमें हम लोग चल के देखते हैं व्यू करके। तो यहाँ पर ये लिस्ट है जो कि आपको फीचर आर्टिकल अपने उसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये फंक्शनलिटी यहाँ पर है कि हम अपने आर्टिकल को यहाँ पर सिंपली टाइप करके, ये भी आपको पता है, तो ये ऑटो कंप्लीट फील्ड है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ठीक है, एक हो गया मेरे पास। रैंडमली हम चूज़ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये 3 आर्टिकल हो गए। अभी इसमें हम अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो वो पहले वाले को रिमूव मार के वो सेलेक्ट हो जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमने लिमिट जो हमें क्यू में जो लिमिट थी वो 3 ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। ये हमारा जो 3 आर्टिकल जो सेव हो गया। अब यहाँ पर इसकी पोजिशनिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट पर शो करेंगे। दोस्तों, ये तो हमारा क्यू में ऐड हो गया। अब इसके थ्रू हम लोग जब हम लोग ऐड करेंगे, तो जब भी आपने ये बनाया तो उसके थ्रू आप जब व्यू में जाएंगे, यहाँ पर व्यू में जाएंगे, तो एक ये आपको दिखेगा नोड क्यू _1। तो जब भी आप ये मॉड्यूल इनेबल करेंगे तो, और यहाँ पर जो आप फीचर आर्टिकल में कोई भी क्यू डालेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। तब इसमें हम लोग चलते हैं व्यू में। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ जो हाँ टाइटल दिया था वो यहाँ पर आ रहा है, क्यू फीचर्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा पेज है, ये देखिए। ठीक है, 3 आर्टिकल यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। ठीक, अब हमने इसमें किया क्या, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसका हम लोग यही रहने देते हैं। फॉर्मेट हम लोग इसका करते हैं, हम लोग इसका एक ब्लॉग बनाते हैं, पेज यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग होम पेज पे इसका ब्लॉग बनाते हैं। तो हम लोगों ने इसका ब्लॉग बनाया। ठीक है, यहाँ आपको यहाँ यहाँ ब्लॉग नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहाँ ऐड कीजिए और सिंपल एक ब्लॉग क्लिक कीजिए। तो क्लिक आप जैसे करेंगे तो आपकी जितनी भी डिफ़ॉल्ट पेज में फंक्शनलिटी होगी दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉग में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका आ रहा है, हम लोगों ने सेलेक्ट किया यहाँ पर HTML लिस्ट, तो HTML लिस्ट आपकी ऐसी आ रही है। ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ पर
हम लोग ग्रिड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो हमारे पास तीन है, तो हम तीन रखेंगे, ठीक है, ये तीन सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या क्या दिखाना है, हमें इमेजेस दिखानी है, इसके लिए हमने एक स्टाइल बनाई थी, इसमें ये लगा देंगे। दोस्तों इस स्टाइल में मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हमने केवल रिसाइज यूज़ किया है। अब स्टाइल आपको मिलेगी मीडिया के अंदर, ये स्टाइल के अंदर, ये स्टाइल इमेज स्टाइल, इमेज स्टाइल के अंदर आपने एक यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, और जो हमने एड्स में ऐड किया वो केवल रिसाइज यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज आ गई, ये देखिए इमेज आ गई। अब हम लोग यहाँ पर बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटेंट बॉडी, ठीक है, लेबल नहीं लेते हम लोग उसमें। और यहाँ हम लोग चलते हैं नीचे में, कुछ HTML जो है टैग्स उसको स्ट्रिप कर देते हैं, ठीक, और ट्रिम कर देते हैं थोड़ी सी लेंथ 200, तो हमारे पास बराबर कंटेंट आ जाएगा सब में, ताकि देखने में अच्छा लगेगा ये, ठीक है। और हम इसमें और भी दिखा सकते हैं, जैसे इसमें हम दिखा सकते हैं कंटेंट, कंटेंट लिंक, हम एक इसमें लिंक दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंटेंट लिंक, सेव करेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट व्यू, या आप रीड मोर भी कर सकते हो, रीड मोर, ठीक है। ये देखिए, ये आपको नोट के आर्टिकल में, मतलब जितना भी फुल कंटेंट है उसमें आपको ले जाएगा, ठीक है, ये देखिए आ रहा है। इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, पोस्ट डेट, ये थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ये देखिए पोस्ट डेट में दिखा रहा है कि कितने टाइम पीरियड ये कंटेंट किसमें ऐड हुआ है, ठीक है, ठीक है। इतने ही रखते हैं, रीड मोड के बटन को नीचे रखते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, लिंक नीचे, सेव, ठीक है। पहले हो गया हमारा इमेज का, हमें यहाँ पर लेबल नहीं चाहिए, ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा दिया, ठीक है। आर्टिकल का टाइटल आ गया, इमेज आ गई, और बॉडी आ गई, और ये आ गया। दोस्तों ये तो हमने यहाँ पर ब्लॉग बनाया हुआ है, तो जैसे हम लोग उसको सेव करेंगे तो जो हमारा ब्लॉग सेव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको दिखाएंगे अपने उसमें। उसके लिए कीवर्ड ले लीजिए, ताकि आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलते हैं नीचे, दूसरा तो नहीं है, ठीक है, पहले ऑलरेडी यहाँ पर आया था, तो आपको भी ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, नन में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा ये डिसेबल में। तो आप इसके जब कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो आप इसको मैं अपने किसी भी रीजन में आप दिखा सकते हो, मैं लाइटेड में दिखा दूँगा, ठीक है। और इसको केवल ओनली आप, आपके पास ऐसा आ रहा होगा तो हम, मुझे केवल इसको ओनली होम पेज पे दिखाना है, तो इसमें ओनली फ्रंट सेलेक्ट कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको होम पेज पर जब जाएंगे तो ये देखिए, ये जो क्यू था वो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके का फीचर्ड आर्टिकल हो गया, मतलब ये हमने अपने वेबसाइट पे हाइलाइटेड शो किया, ठीक है, इस तरीके से तीन, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप, ये ब्लॉग अपने वेबसाइट पे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये ब्लॉग है, व्यू के थ्रू ब्लॉग बनाया है। आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक पा सकते हो क्यू में, अगर आपको कोई अपने इसमें आर्टिकल की साइज़ बढ़ानी है तो अभी आप बढ़ा सकते हो, जैसे हम भी यहाँ 4 कर देंगे और सेव कर देंगे। और अब इसमें हमें पास चाहिए होगा एक और आर्टिकल, हम लोग को उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सेव करेंगे, ये ऐड हो गया। यहाँ सेव कर लीजिए, होम पेज पे देखिए ये 4 ऐड हो गए, ठीक है। अब इसकी लेंथ भी हमें 4 की करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर सेटिंग में ग्रिड में आपको यहाँ पर मिलेगा 4,
ठीक है, सेव सेव रिफ्रेश। ये देखिए 4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, और लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।